नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना, अगर आप केवल विंडोज़ 10 संबंधी वीडियो देखने चाहते हैं, लेटेस्ट न्यूज या लेटेस्ट खबरें या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप हमारे नए चैनल नरेंद्र कंप्यूटर गाइड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए NCG। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो इस वीडियो अंदर बात करने वाला है कि बिना सॉफ्टवेयर के हम वीडियो एडिटिंग कैसे करें। बिना सॉफ्टवेयर से मेरा यह मतलब है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है या ख़रीदना नहीं है। विंडोज 10 के अंदर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है उससे हम वीडियो एडिटिंग कैसे करें और उससे एडिटिंग करके आप यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह करना है, जो सर्च बॉक्स है उस पर आपको लिखना है वीडियो एडिटर, ऐसा आप लिख लीजिए। तो ये ऐप आपके डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा। वैसे ये मेरा जो विंडोज़ है ये 2004 अपडेट है, लेकिन एटलीस्ट आप उसे 1903 या 1803 के अंदर भी ये है। मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई थी लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ वीडियो संबंधी। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे प्रथम बार तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर एक लिख रखा होगा न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नेम योर वीडियोस, यानी आप अपने वीडियोस का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो हम रखने चाहते हैं NS, ये नाम रखना चाहते हैं और ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद में दोस्तों ये आपको यहाँ पर जो काला काला दिख रहा है यहाँ आपका वीडियो प्रीव्यू दिखेगा, और इधर आपकी लाइब्रेरी है जहाँ से आप फोटोज़ वीडियो चुनेंगे, और नीचे आपकी टाइमलाइन है, स्टोरी बोर्ड भी बोल सकते हैं, वैसे टाइमलाइन ही बोलते हैं अधिकतर वीडियो एडिटिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो एड बटन है आपको इस पर क्लिक करना है, जो आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर लेके आना है। तो चलिए हम इसके अंदर कुछ लेके आते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा, फ्रॉम दिस PC, अगर आप इसी PC से लेना चाहते हैं, या इंटरनेट, चाहे माई कलेक्शन। तो हम इसी PC के जो मैं हार्ड ड्राइव है उसके अंदर से लाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा एक फोल्डर है टेस्ट नाम का, जिसके अंदर एक फ़ोटो से एक वीडियो है। हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कर ओपन कर लेते हैं, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये आ गया है। इसके अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर मोड दिख रहा है, अगर आप इस पर करते हैं मीडियम तो ये मीडियम आकार में दिखेगा, और स्मॉल करते हैं तो स्मॉल आकार के अंदर आपको दिखेगा। और इसके अलावा आपको एक एरो का आइकन दिखेगा, इस आइकन जिसे आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी, और जो आपकी वीडियोस है उसके लिए पूरा प्लेक प्रीव्यू देखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ वापस लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फ़ोटो है हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं, और उसके अलावा जो हमारी वीडियो है इसको भी यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो जब भी आप वीडियो एडिट करते हैं तो ये फ़ोटो उल्टा है तो इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट के लिए ये देखो आइकन दे रखा है, कंट्रोल R से भी कर सकते हैं। तो ये हमने रोटेट करके इसको फिक्स कर लिया। तो सबसे पहले रोटेट कर लिया, अब आप अगर आप इसको कुछ नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ फिर इसलिए यहाँ से भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ भी एक तो आता टेक्स्ट, तो ठीक है हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं भाई क्या लिखे यार, हम लिख लेते हैं नरेंद्र लिख लेते हैं। नरेंद्र लिखने के बाद आपने देखा ये नीचे नरेंद्र लिखा हुआ आ गया। उसके बाद ये आपको जो स्टाइल है फॉन्ट की स्टाइल वो बता रहा है, देखिए आप किस स्टाइल लिखना चाहते हैं। उसके अलावा प्रीव्यू देख सकते हैं इसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा, इसके अंदर छोटा सा एनिमेशन भी डाल रखा है, ये देखिए इसके अंदर बरल दिखेगा, इसके अंदर आपको बड़ा क्लासिक स्टाइल दिखेगा, देखा एनिमेशन है दोस्तों इसके अंदर। आपको एनिमेशन खरीदने आवश्यकता ही नहीं, फ्री मिल रहा है, आराम से अप्लाई करिए। सिनेमा देख रहे हैं कितने इफेक्ट मिल रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए फ्रेश इफेक्ट है। तो एक बार आइए और ट्राई करिए। इसके अलावा नीचे दोस्तों आपको लेआउट कैसे कहाँ से रखना चाहते हैं, ये देखिए इधर से आप चाहते हैं नीचे से दिखे, नीचे से, तो हम ये कार्टून वाला रख लेते हैं और डन कर लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया, फिर भी देखना यहाँ से प्ले कर लीजिए, ये आपका टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप चाहते हैं इसका समय कितनी देर रखे, यानी फ़ोटो है ये कितनी देर है, इसकी ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो ड्यूरेशन ऑप्शन यहाँ भी है, और यहाँ भी आप इस पर राइट क्लिक करके ड्यूरेशन क्लिक करेंगे। तो हाल फिलहाल ये 3 सेकंड का है तो हम इसको 7 करके चेंज पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये 7 सेकंड तक रहेगा आपके प्रीव्यू के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहे
तो एडिट के अंदर देखिए टेक्स्ट है मोशन, मोशन देखिए मैं बताता, आपने देखा कभी कभी फोटो थोड़ी थोड़ी हिलती है, जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे कि लेफ्ट जूम आउट, ये वाला अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसे चलाएंगे तो देखना फोटो, देखो जूम नीचे जा रही है ना फोटो, आप ढंग से देखिए, ये वीडियो के अंदर दोस्तों जान डाल देता है ऐसे मोशन इफेक्ट में। ठीक है, चलिए अब उसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये हमारी वीडियो क्लिप है, तो ये हमारी एक वीडियो बनाई थी उसके लिए रिकॉर्डिंग क्लिप है, तो सबसे पहले इसके अंदर बैकग्राउंड ऑडियो है। हाय गाइस, अगर आप इस ऑडियो को कम करना चाहते हैं तो यहाँ सब वॉल्यूम चाहिए और 50 कर दीजिए। अभी देखेंगे कि आप जो ऑडियो है उसका वॉल्यूम कम हो गया, अब ज़्यादा नहीं भाई मुझे ऑडियो चाहिए नहीं, बंद कर, तो बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ कट करना चाहते हैं तो ये देखिए कुछ कट करना चाहते हैं तो देखिए मैं बताता हूँ, ट्रिम ट्रिम यानी मतलब इसको कहीं क्लिप से कहीं काटना चाहते हैं, एक अनादर भाग है एक्स्ट्रा भाग है उसको काटना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ट्रिम पे क्लिक करिए। इन्हें आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से काटना चाहता हूँ और इतना पीछे से काटना चाहता हूँ, इतना सा इतना ही रखना चाहता हूँ, ये वो प्लेगर भी देख भी सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, इतना करने बाद आप डन कर लीजिए, तो ये आपका फालतू भाग कट जाएगा। इसके अलावा आप चाहते नहीं भाई मैं इसके दो भाग करना चाहता हूँ, तो ये स्लिप का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट कर लीजिए, स्लिप सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से काटना है उतना काट लीजिए, ये इतना काटना है जितना काटना है, ये दो भागों में आपके डिवाइड हो जाएगा, एक और दो। ठीक है, और ये मोशन मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों 3D इफेक्ट, इन इसके अंदर 3D इफेक्ट इतने सारे, जैसे लाइव अगर कोई न्यूज़ संबंधी बनाना चाहते, ब्रेकिंग न्यूज है तो देखिए उसका आपने अकॉर्डिंग कैसे कर लीजिए एडजस्ट, ये देखिए 3D इफेक्ट है, और इसको यहाँ साइड में लगाएंगे ब्रेकिंग न्यूज़, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, ये देखो देख रहे हैं आप, मतलब ये इफेक्ट ना दोस्तों आपको पेड सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते, लेकिन यहाँ ये आपके लिए फ्री है, डन कर लीजिए। और इसके अलावा देखिए मैं थोड़ा और बताना भूल गया, जैसे इसके अंदर आपने फिर से 3D इफेक्ट चुना, अभी 3D इफेक्ट देखिए दोस्तों यहाँ बहुत सारे हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। अभी आप 3D लाइब्रेरी जाएंगे, आपको इंटरनेट होगा, तो अब आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं यहाँ बताता हूँ इतने सारे इफेक्ट है, आप लगा लगा ट्राई करिए थक जाएंगे, बहुत इफेक्ट है, एक बार ट्राई करेंगे जब भी आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर, यानी अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, देखिए जैसा आपको कलर चाहिए वैसा कलर भी कर सकते हैं, फिल्टर में कर सकते हैं, फिल्टर होगा। और ठीक है, इसके अलावा स्पीड, यानी आप इसकी जो क्लिप है उसकी स्पीड कितना रखना चाहते हैं, स्लो नॉर्मल फास्ट, आपने टिकटॉक देखा स्लो मोशन तो भाई टिकटॉक भर भर के पड़ा है, तो यहाँ स्लो कर सकते हैं, अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं कोई तो स्लो कर लीजिए। इसके अलावा देखो ये वीडियो पूरा, अगर आपकी कोई वीडियो जैसे मोबाइल की वीडियो आर पर ब्लैक बार आ रहा है तो आप इसको फुल फिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ब्लैक बार नहीं है, रोटेट वगैरह कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है कि इसके बैकग्राउंड में ऑडियो कैसे डाला है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड ऑडियो, ये अगर इन कंपनी को ऑडियो डालना चाहते हो यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अलग से ऑडियो है या गाना है तो आप कस्टम ऑडियो पे जाइए और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहा एड द ऑडियो फाइल, इसे सिलेक्ट करिए और आपके ऑडियो के अंदर लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक ऑडियो है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये ऑडियो आ गई। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम कितना रखना चाहिए, फेड आउट फेड इन, यानी कि फेड का मतलब होता है दोस्तों जैसे तेज इन और ये आउट, ये भी लगा सकते हैं आपकी इच्छा हो तो मैं इसको ये कर लेता हूँ 50, हम फेड आउट लगा देते हैं। ठीक है, और ये आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ से लगाइए, हम चाहते हैं शुरू से स्टार्ट हो, शुरू से स्टार्ट कर दिया, अभी देखिए शुरू से चलाएंगे दिखाना चले, ये बैकग्राउंड ऑडियो आएगा, देखा। इसके अलावा ये हमारे दो क्लिप है, और अगर कुछ भी टेक्स्ट वेक्स डालना है बीच में तो यहाँ पर देखो ट्रिम स्लिप सभी ऑप्शन, रीसाइज का ऑप्शन भी आता है, लेकिन हाल फिलहाल ये फिटिंग है, रोटेट घुमाना है, वॉल्यूम एडजस्ट करना है। अगर आपको यहाँ से टेक्स्ट डालना है एडिट चाहिए, टेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ भी आपको चपीच चाहिए तो सीधे यहाँ से कुछ भी डाल दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल रख लीजिए, मतलब जैसे आपको इच्छा चाहिए वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा सब कुछ होने के बाद में लास्ट में ऑप्शन आता है फिनिश का, ये कस्टम ऑडियो वगैरह, ये अंडू रीडो है। ठीक है, मैंने आपको ये, अगर आप यहाँ से इसका नाम वगैरह चेंज करना है फाइल के, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में ऑप्शन आता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लास्ट में दोस्तों मैं आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आता है, उसके बाद दोस्तों आता है बैकअप प्रोजेक्ट, अगर आपको बैकअप वगैरह लेना हो तो
थीम इन, अगर आप किसी थीम पर आधारित हो तो आपका प्रोजेक्ट जैसे कि नो थीम, एडवेंचर, चाइल्ड, क्लासिक या स्किन रहा, अगर मैं अगर आप अप्लाई करें तो मैं बता देता हूँ। देखिए आवाज़ थोड़ी कम कर देता हूँ। इन बिल्डिंग मिल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं। इसके अलावा लैंडस्केप है, या ये जो अगर आपके पास कोई पुराना मॉनिटर है तो उसके लिए आप 4.3 चुन लेंगे, और ऐसा LCD है तो लैंडस्केप कर लेंगे। अगर आपको मोबाइल का करना है तो यह मोबाइल का है मेक है पोर्टेबल, तो ये आपके जो फ़ोन होता है उसके आधार पे हो जाएगा। अगर आप फ़ोन संबंधित अब चाहते हैं कि मैं फ़ोन के अंदर चलाऊँ उसके वापस लैंडस्केप पर आ सकते हैं। इसके अलावा सेंट है और सेटिंग है। सेटिंग में तो आपकी ड्राइव चुनने का ऑप्शन इसके अलावा कुछ नहीं है। और लास्ट में ऑप्शन आते हैं तो फिनिश, यानी इसको रेंडरिंग करना है तो फिनिश वीडियो क्लिक करिए। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है 1080p, अगर 1080p चाहते हैं 1080p कर सकते हैं। और मोर सेटिंग में, इसके अंदर मोर सेटिंग भी आती है जैसे कि 720 और 514। तो मैं आपको सलाह देता हूँ 720 या 1080p रखें, इससे आगे मत करिए। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन आता है तो आप एक लोकेशन चुन सकते हैं जहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं पिक्चर कर लेता हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर कितना वक्त लगता है, वेल जो फाइल है दोस्तों ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, एक तो दो मिनट की है, एक मिनट की और एक 7 सेकेंड की है। तो आइए एक्सपोर्ट होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो ये वीडियो है दोस्तों आप इनसे एडिटिंग करके यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं। ये मतलब हल्की एडिटिंग है, अगर आप टीचर वगैरह है, एडिटिंग सीखने नहीं चाहते, सॉफ्टवेयर खरीदने नहीं चाहते, तो ये जो छोटा सा वीडियो एडिटर है आपकी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो आगे देखिए, ये देखिए। और इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये है हमारी वो वीडियो फाइल, मैं आपको प्रॉपर्टी में जाकर दिखा देता हूँ इसकी डिटेल। तो डिटेल देखिए 1080p है, डेट है, फ्रेम रेट है 30 फ्रेम पर सेकंड पर बनी है। और इसके अलावा इसके अंदर आप आसानी से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।